नमस्कार दोस्तों, राम कैलाश है। दोस्तों, मैं प्रतापगढ़ फिटनेस में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा, जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, बैठक हो गया, पुशअप हो गया, तो कुछ लोग बोलते हैं कि धीमी एक्सरसाइज करना चाहिए, धीरे धीरे पुशअप मारना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं बहुत रफ्तार में पुशअप मारना चाहिए। तो दोनों दोस्तों अंतर क्या है, दोनों को फायदे क्या हैं? अगर हम तेज़ी एक्सरसाइज करते हैं, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करते हैं, जल्दी जल्दी पुशअप मारते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं? अगर हम बहुत धीमे धीमे एक्सरसाइज करते हैं तो उसके क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकते हैं, सबको दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दें। अगर ऐसा वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो नीचे कमेंट जरूर। अगर दोस्तों हम बात करते हैं, सबसे पहले पुशअप जो मारा जाता है तेज़ी से, यानी जल्दी जल्दी पुशअप मारा जाता है, तो दोस्तों जहाँ पर देखने को मिलता है कि पुशअप तेज़ी से मारा जाता है, तो उसके फायदे यही होता है कि हमारे अंदर फुर्ती रहेगी। जितना फुर्ती में करते हैं, जैसे कि देखा जाता है जूडो कराटे वाले होते हैं, कुंगफू होते हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत रफ्तार में एक्सरसाइज होती है, पलक झपकते ही हमें पंच मारना पड़ता है, किक मारना पड़ता है, इससे क्या है कि एक फुर्ती आती है। अगर आप रफ्तार में तेज़ी से एक्सरसाइज करते हैं, उससे क्या है आपके शरीर में फुर्ती आएगी, बहुत तेज़ी फुर्ती रहेगी। क्योंकि जो जूडो कराटे वाले होते हैं, सबका विषय अलग अलग होता है। जूडो कराटे वाले, उनको तो पलक झपकते ही किक मारना है, पंच मारना है, तो उससे क्या है कि उन्हें फुर्ती की आवश्यकता होती है। अगर वो धीमे धीमे एक्सरसाइज करेंगे तो उनके अंदर वो फुर्ती नहीं रह पाएगी। तो अगर आप कुंगफू यानी फुर्ती शरीर में चाहते हैं कि तेज़ी से हमारे अंदर पलक झपकते ही हम कोई भी काम कर जाएं, तो उससे क्या है कि आपको फुर्ती में जो है जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करना है। जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करने के फायदे यही हैं कि आपके शरीर में फुर्ती रहेगी। धीमी एक्सरसाइज जो होता है पुशअप, बहुत धीरे धीरे, तो उससे क्या है आपके शरीर में फुर्ती नहीं रहेगी, बॉडी बनेगी। आप जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से बॉडी बना पाएंगे। और एक्सरसाइज का मतलब यही होता है कि कुछ लोग का कहना है कि धीमा एक्सरसाइज करने से बॉडी फिट रहती है, लेकिन दोस्तों हम भी जो एक्सरसाइज करते हैं, हम भी तेज़ी से करते हैं यानी जल्दी जल्दी करते हैं, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको फुर्ती की आवश्यकता है तो आप जो है धीमी एक्सरसाइज न करें, तेज़ी से यानी जल्दी 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 जो भी एक्सरसाइज करें जल्दी जल्दी करें, उससे क्या है आपके शरीर में फुर्ती बनी रहेगी। अगर आप थोड़ा धीमी पुशअप मारेंगे, बॉडी तो बनेगा, आप चाहे धीमी एक्सरसाइज करें या तेज़ी एक्सरसाइज करें, बॉडी बनना ही बनना है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों में अंतर यही है कि अगर आप धीमी एक्सरसाइज करते हैं तो आप शरीर में फुर्ती नहीं रहेगी, अगर आप जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या है कि आपके शरीर में फुर्ती बनी रहेगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फुर्ती चाहते हैं या सुस्त रहना चाहते हैं यानी धीमा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, वहाँ पर फिटनेस से आपको रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, और वहाँ पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमें उम्मीद है कि आप दोस्तों आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।